जैसे नाम से ही पता चलता है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ये भारत में रहने वाली मुसलमान बहनों का एक संगठन है। और संगठन भी नहीं, ये एक आंदोलन है। हमारी एक कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहनों तक पहुंच सके। जब हमने इसकी शुरुआत की 2007 में, इसको हमने फॉर्मली 2007 में लॉन्च किया था, लेकिन उसके पहले हम में से कुछ लोग मिले और हमने ये जानने की कोशिश की कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते भी थे कि मुस्लिम महिलाओं को संगठन तैयार करने की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में एक बहुत सशक्त महिला आंदोलन है, सरकार तो मुसलमान समाज के लिए बहुत काम कर रही है, तो मुसलमान औरतों को ऑर्गेनाइज होने की क्या ज़रूरत है। हम खुद भी बहुत इसके बारे में सोचे और हमें लगा कि हमारे जो मुद्दे हैं, मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं, वो अभी तक न सरकार ने ठीक से उठाए हैं, न ही हमारे समाज के अंदर जो हमारे लीडर्स आए हैं अभी तक, न ही उन्होंने ये सवालों को उठाया है। सरकार ने तो बहुत ही आसानी से मुस्लिम समाज के वोट लेते रही है, वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और हम भी बहुत ही दरियादिली से हमारे वोट देते रहे, बार बार वोट देते रहे, सरकारों को जिताते रहे, लेकिन इन सरकारों ने हमारी तरक्की के लिए क्या किया? तो कुछ नहीं किया। अगर 65 साल के बाद भी सचर रिपोर्ट जैसा रिपोर्ट बाहर आता है, जिसमें हमारी तरक्की के ऊपर सवाल है और हमारी पिछड़ेपन का एक आईना हमारे सामने है, तो फिर सरकारों ने किया क्या है, ये हमारे सामने एक सवाल था। सवाल ये भी था कि हमारी लीडरशिप ने क्या किया है। सिर्फ सरकार को की तरफ उंगली उठाने से नहीं होता है, अंदर भी देखने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि हमारी लीडरशिप ने भी वो काम नहीं किया है जो तरक्की के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, शैक्षणिक बदलाव के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लीगल रिफॉर्म्स के लिए जो काम करने थे, वो हमारे समाज की लीडरशिप भी कहीं पर फेल हो गई है हमें लगा। तो फिर ये एक एहसास हुआ कि मुसलमान औरतों को अभी खुद बाहर आना चाहिए। जैसे हमारा जो स्लोगन है वो भी यही कहता है, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। अगर ये मुसलमान औरतों का प्रॉब्लम है तो हमें ही बाहर आना पड़ेगा। हमारी लड़ाई शायद मुसलमान मर्द नहीं लड़ेंगे, या शायद हमें लड़ते देखकर हमारे साथ जुड़ जाएं वो। सरकार तो ज़रूर ही नहीं लड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम वोट बैंक की तरह सामने आए नहीं हैं। तो हमें लगा कि हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है, हमें खुद संगठित होना है, अपने सवालों को हम खुद उठाएंगे। ये एक सोच के साथ इसकी शुरुआत 2007 में हमने की। BMMA एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं और किसी भी मजहबी मंच से भी नहीं जुड़े हैं। वी आर अ राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, औरतों के, मुसलमान औरतों के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी हक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो उनके हैं, संविधान में जो उनके हक है, वो हक उन तक कैसे पहुँच सके, ये हमारी हमेशा कोशिश रही है और रहेगी। फिलहाल हम 13 राज्यों में काम कर रहे हैं, 13 स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री। मेंबरशिप हमारी 30,000 है। हमारी मेंबरशिप की रकम 5 रुपया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, गरीब से गरीब औरत इसके साथ जुड़ सके और इसके साथ मिलकर काम कर सके। हम 2 लेवल पे काम करते हैं, एक मुसलमान औरतों को बाहर निकालना, उनके संगठन तैयार करना और उनके सवालों को आगे लाना, और दूसरा कि हम ये जब संगठन तैयार होता है तो ये संगठन की तैयारी कैसे हो जन वकालत के लिए। हाउ कैन दी मुस्लिम वीमेन कम टुगेदर टू एडवोकेट फॉर देयर इशूज़, कैसे हमारे मुद्दे सरकार तक पहुँचे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वार्ड ऑफिस हो, चाहे BMC की ऑफिस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे UN हो, कैसे हम हमारे सवालों की जन वकालत कर सके। और हमारे सवाल क्या है, कोई नए सवाल नहीं है, शिक्षा, तालीम, रोज़गार, कैसे सिर्फ मुसलमान औरतों को नहीं तो पूरे मुस्लिम समाज के रोज़गार के मुद्दे क्या है, और कैसे हम सरकारी जो योजनाएं हैं उसके तहत को पा सकते हैं या किसी भी तरह से हम पा सकते हैं। हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं है, हेल्थ सर्विसेज है, वो हम देखते हैं कि मुस्लिम गेटोज़ में या वो गांव ऐसे है जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ ज़्यादा है या मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर सरकार के जो स्ट्रक्चर्स है वो पहुँचते ही नहीं है, सरकार गायब है जगहों से। तो कैसे हेल्थ सर्विसेज एक्टिवेट हो सकती है, कैसे हमारे सामने अभी भी केसेस आते हैं जहाँ पर SMS के ज़रिए
ईमेल के ज़रिए आज भी मुसलमान औरतों को तलाक मिलता है, तो कैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन कर सके, कैसे कुरान के आधार पर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन कर सके, ये हमारा मुद्दा है। मुस्लिम समाज के अंदर बेहद इनसिक्योरिटी या सुरक्षितता का माहौल है, खासकर जो नौजवान हैं बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो क्या हम सिक्योरिटी के इश्यूज भी उठा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों पर हम मुसलमान औरतों की लीडरशिप के ज़रिए काम करना चाह रहे हैं। चैलेंजेस हमारे सामने बहुत है, जैसे आप जानते हैं सरकार को एक्टिवेट करना है, बाकी जो हमारे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं उनको उनके साथ एक काम का रिश्ता बनाना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान औरतों को हम बाहर ला सकें अपने मज़हबी अधिकारों के लिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के। शुक्रिया। थैंक यू शर्मीन, थैंक यू नूरजहां।